ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होंडा सीवी शाइन के केस में, ये किसी भी बाइक के केस में माइलेज कैसे सेट कर सकते हैं आप घर पर खुद। देखिए, माइलेज सेट होता है इस कार्बोरेटर से। ये कार्बोरेटर ही वो पार्ट है बाइक का जो आपके एयर और फ्यूल मिक्सचर को एक खास रेशियो में आपके इंजन में एंटर करवाता है। और इसके मैं ये देखिए कार्बोरेटर है, ये एक्सीलेटर केबल से जुड़ा होता है। जब एक्सीलेटर देते हैं इस तरह से तो ये देखिए इसके अंदर एक बटरफ्लाई कहते हैं उसको, वो गेट ओपन हो जाता है और फ्यूल मिक्सचर ज़्यादा एंटर करता है। और ये जो आप स्क्रू यहाँ देख रहे हैं ये सिर्फ एक्सीलेटर कम ज़्यादा करने के लिए है, इसका एयर फ्यूल मिक्सचर से कोई लेना देना नहीं है। तो माइलेज सेट करने से पहले मैं आपको कुछ खास जानकारी देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं कि एक टीनेजर बच्चा भी माइलेज सेट करना सीख जाएगा, जिससे कि आप घर पर ही सीख जाएंगे माइलेज सेट करना। आपको किसी मिस्त्री भी जाने की ज़रूरत नहीं है, माइलेज आप खुद ही अब सबसे बेस्ट सेट कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि आप बाइक के मालिक हैं, आपको पता है बाइक कैसी चलती है, उसकी रगड़ से वाकिफ हैं आप। तो पहले कुछ बात मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, इसमें जो मेन हमारा स्क्रू होता है ना, वो उसकी लोकेशन एक्सेस करना थोड़ा भारी रहता है। वो दरअसल कुछ, देखिए ये कार्बोरेटर तो यहाँ होता है, यहाँ देखिए ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये दूसरी साइड है और यहाँ से आपको ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सीट हटानी है बाइक की, जैसे कि मैंने हटा दी है। साइड पैनल खोलने हैं, आपको राइट पैनल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट वाला यानी कि ये बैटरी वाला पैनल ही खोलना है आपको। और उसके बाद क्या करना है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं फ्यूज़ बॉक्स है इसमें, इसको आप हटा दीजिए इस तरह से। और आपको ये बैटरी कवर खोलना पड़ेगा इसका माइलेज सेट करने के लिए। होंडा शाइन में यही प्रॉब्लम है कि इसमें लोकेशन एयर कार्बोरेटर की लोकेशन ही ऐसी दी है। तो सबसे पहले ये स्क्रू खोलते हैं। देखिए मैंने खोल लिया है, साइड में रखो इसको। अब ये बैटरी पैनल भी आपको खोलने पड़ेंगे दोस्तों, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए दोनों मैंने हटा दिए हैं, अब ये बैटरी निकाल लेते हैं। बैटरी रखिए साइड में और अब आता है मेन काम। आपको चार ऐसे नट मिलेंगे जो आपको खोलने हैं, जैसे कि ये दो से एक दो, एक नीचे है तीसरा और एक ऊपर भी है, ये इस तार के पीछे, ये देखिए ये फोर्थ, ये चारों आपको खोलने हैं दोस्तों। और इसे खोलने के लिए आपको एक टी स्पैनर आता है, वो चाहिए होगा, 12 नंबर की टी चाबी भी बोलते हैं। देखिए इस तरह की 12 नंबर की टी चाबी दोस्तों, आपको लंबी लेनी पड़ेगी, इसमें चाबी या पाना वगैरह काम नहीं कर पाएगा। सो सबसे पहले मैं ये लूज कर लेता हूँ। लूज करने से पहले आप इस बॉक्स को भी हटा लीजिए। इसको हटाना कोई बड़ा काम नहीं, बस ऐसे ऊपर को खींचना है। ये देखिए ये साइड में हो गया। अब मैं इन्हें पहले खोल लेता हूँ। अच्छा,
देखिए चारों स्क्रू खुल गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। बैटरी बॉक्स, ये बैटरी बॉक्स निकल गया। ओके, तो देखिए आपका लगभग काफ़ी काम हो चुका है। अब बारी आती है कार्बोरेटर के एयर फ्यूल मिक्सचर को एक्सेस करने की, तो वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, पर मैं पेचकस से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो स्क्रू है, यही है एयर फ्यूल मिक्सचर। मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो स्क्रू है, यही है एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू। तो सारा प्रोसेस यहीं से शुरू होगा। अब एक्सेस करना आसान हो गया है, क्योंकि पहले बैटरी कवर लगा था, वो तो दोस्तों हमें हटाना ही पड़ेगा। तो मैं ये बताता हूँ इसको आप करना कैसे है। देखिए ये मेरा डायग्राम है, इससे मैं आपको समझाऊंगा कार्बोरेटर का मिक्सचर किस तरह से वर्क करता है। और सबसे पहले कार्बोरेटर की सेटिंग करने से पहले दो बातें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको अपना बाइक का माइलेज सेट करना है, तो आपको दो चीज़ें बाइक में सबसे पहले करनी पड़ेंगी। सबसे पहला है स्पार्क प्लग की सफाई। अगर स्पार्क प्लग की सफाई दोस्तों बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके सेटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, बाइक माइलेज नहीं देगी, पिकअप भी उल्टा सीधा आ सकता है इसलिए। और दूसरी चीज़ है एयर फिल्टर। आपको ये काम करने से पहले एयर फिल्टर भी साफ़ करना है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, स्पार्क प्लग की सफाई और एयर फिल्टर की सफाई, तब आपको इसकी सेटिंग करनी है। बेस्ट सेटिंग के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें है क्या, मान लीजिए आपने सेटिंग कर ली और इन दो चीज़ों की आपने सफाई नहीं की, तो आपकी जो सेटिंग हुई है वो उस तरह से हो गई है जब इनकी सफाई ना हुई हो। मतलब जब ये चीज़ सफाई होंगी तो आपकी स्पार्किंग भी अच्छी आएगी, एयर फिल्टर आपका साफ़ होगा तो एयर का फ्लो भी अच्छा होगा, तब आप उस सेटिंग करिए, ना कि ये चीज़ें गंदी होने। और एक चीज़ और है, सेटिंग करने से पहले आपका बाइक का इंजन गर्म होना चाहिए दोस्तों। ये हीट पर ही सेटिंग होगी, बिना हीट के आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे। इंजन आपका हीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हीट नहीं है तो आप पहले अपनी बाइक चला ले लीजिए कुछ किलोमीटर, ये वैसे ही हीट हो जाएगा, 2-4 किलोमीटर में ही काम हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप सबसे पहले बाइक चला कर आइए, उसके बाद स्पार्क प्लग साफ़ करिए, एयर फिल्टर भी साफ़ करिए। एयर फिल्टर बहुत आसान है दोस्तों साफ़ करना, कुछ खास वो नहीं है। 4 स्क्रू होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 खोल के ये बॉक्स खुल जाएगा और एयर फिल्टर आप साफ़ कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत वीडियोस आपको ऐसी मिल जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें करने के बाद आप इस पर आइए। तो इसमें मैं बता देता हूँ, ये जो स्क्रू है ये आपका एक्सेलरेटर स्क्रू कहते हैं इसको दोस्तों। इस स्क्रू का आपके बाइक के पिकअप और माइलेज से कोई लेना देना नहीं है। पिकअप और माइलेज का लेना देना उसी स्क्रू से जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अभी मैं दिखाऊंगा ये कैसे करना है आपको। तो ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूंगा, बहुत ही बिगनर लेवल पर बात करूंगा, बताऊंगा आपको, जिससे कि छोटा बच्चा भी एकदम माइलेज सेट कर लेगा। तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं, अब मेन बात पर आते हैं। देखिए होगा क्या, जो आपका मिक्सचर स्क्रू है ना, जो मैंने दिखाया था मिक्सचर स्क्रू इस तरह का, तो मिक्सचर दोस्तों आप मिक्सचर स्क्रू ये वाला मत समझिएगा, जो दूसरी तरफ है वही वाला मैं आपको अभी और दिखाऊंगा। तो वो करना क्या है, आपको सबसे पहले उसको पूरा क्लोज कर देना है अपने पेचकस से या स्क्रू ड्राइवर जो भी आपके पास हो। इसे करना क्या है दोस्तों, आपको ये मैं दिखाता हूँ। देखिए ये, एक सेकंड में फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इसको क्या करना है, आपको पूरा कस देना है इस तरह से, पूरा क्लोज कर देना है। मतलब अब क्लोज करने के बाद आपकी शुरुआत होगी एयर फ्लो मिक्सचर को सेट करने की या माइलेज सेट करने की।
अब आप सोच रहे होंगे भाई इसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, मैं आपको ये सिखाऊंगा कैसे वर्किंग करता है ग्राफ। तो ठीक है, देखिए आपका एयर फ्लू एयर स्क्रू कहूंगा मैं इसको, बोलने में थोड़ा बोल रहा है, एयर स्क्रू को आप पूरा कस देंगे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देखिए मैं बताता हूँ, ये इस डायरेक्शन में आप इसको कस देंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं कसना है, बस जहां बंद हो जाए छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको बाइक स्टार्ट करनी है। अब बैटरी तो आपकी निकल चुकी, बाइक तो ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, तो आपको किक से स्टार्ट करनी पड़ेगी दोस्तों बाइक, आप घबराइए मत, किक से स्टार्ट हो जाएगी अगर आपकी बाइक का अल्टरनेटर ठीक से काम कर रहा है। अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो आपके बाइक के मैग्नेट में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वीडियो भी मैं फ्यूचर में डालूंगा। तो फिलहाल आपको स्टार्ट करनी है बाइक, तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये स्क्रू आपने पूरा कस दिया है, कसने के बाद होगा क्या दोस्तों, फ्यूल की सप्लाई बिल्कुल बंद है, फ्यूल की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो उसके इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रू, इसको आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में कस देंगे, इस तरह से कस देंगे जिससे कि ये थोड़ा ऊपर उठेगा और ये एक्सेलेरेटर थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा, तब आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अब जब आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, अब आपको करना क्या है, ये एयर स्क्रू को धीरे धीरे खोलना है। किस डायरेक्शन में खोलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी दिशा में खोलना है। मान लीजिए ये स्क्रू है, पेचकस लगा के आपको इसको इस दिशा में खोलना है और धीरे धीरे खोलना है, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे, इस तरह से, ना कि तेजी से खोल दिया। तो जब आप ये इसको ओपन करेंगे, ओपन करने में आप देखेंगे, देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया, ये इंजन आरपीएम, ये वाई एक्सिस है, फिजिक्स के या साइंस के स्टूडेंट ये समझ पा रहे होंगे, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए। अब देखिए मैंने वाई एक्सिस पे इंजन आरपीएम बनाया है, और ये जो एक्स एक्सिस पर है ये मैंने नंबर ऑफ मिक्सचर स्क्रूज को ओपन करने, ये देखिए ये जो आप 1/4 देख रहे हैं ना, इसका मतलब है जब आपने अपना एयर स्क्रू 1/4 ओपन किया होगा, 1/4 का मतलब है 1/4, देखिए 1/4 ऐसा होता है इतना, मान लीजिए आपने पेचकस रखा तो ऐसे आप खोल रहे हैं, तो ये देखिए बस 45 डिग्री जब आप इसको खोलेंगे तो आधा खुलेगा, और आप इतना खोलते हैं तो ये हाफ है, और इतना आप खोलते हैं तो ये 75% खुल जाएगा, और जहाँ से आप घुमाना शुरू करते हैं वहीं ले आते हैं तो ये एक टर्न खुल जाएगा। तो यहाँ जो मैंने दिखाए हैं ये टर्न्स बताए हैं। तो होगा क्या, शुरुआत आपको कैसे करनी है, एयर मिक्सचर को आपको पूरा क्लोज कर देना है दोस्तों, क्लोज करने के बाद वो धीरे धीरे ओपन करना है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक में, ये आप देख सकते हैं। अब जब आप जैसे ही इसको धीरे धीरे ओपन करेंगे तो आपके इंजन के आरपीएम इस तरह से बढ़ेंगे, मान लीजिए आपने 1/4 ओपन किया तो आपके इंजन के आरपीएम देखिए बढ़ गए, शुरू में बिल्कुल कम थे, जीरो तो नहीं थे, पर ये मैंने वैसे ही बताने के लिए किया। अब फिर और हाफ खोल लीजिए उसका, हाफ टर्न ओपन कीजिए तो आपके और बढ़ जाएंगे, ऐसी 3/4 यानी कि पौन कहते हैं उसको हिंदी में, जब आपको 75% ओपन करेंगे तो इतना, और जब आप 1 राउंड ओपन करेंगे तो इंजन आरपीएम और बढ़ जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके इंजन के आरपीएम बढ़ेंगे। और ऐसे आप जो धीरे धीरे खोलते जाएंगे स्क्रू को, आपके इंजन के आरपीएम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे रेस बढ़ रही है बाइक की। तो आपको करना क्या है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर आपको इंजन के आरपीएम बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे थोड़ा सा, तो आपको करना क्या है, उसी पॉइंट पर छोड़ देना है स्क्रू, एयर मिक्सचर स्क्रू वहीं पर बिल्कुल, फिर आपको उसको ओपन नहीं करना है। अब ये जो पॉइंट आएगा ना आपका, जहां पर आपके इंजन के आरपीएम मैक्सिमम हो जाएंगे, तो वहां पर वो आपका लीन मिक्सचर कहलाएगा दोस्तों। अब लीन मिक्सचर क्या होता है, इसमें एयर और पेट्रोल की मात्रा बिल्कुल समान होती है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल ऑप्टिमम होती है। इससे होता क्या, आपके स्पार्क प्लग पर कार्बन भी नहीं जमता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर उससे ज़्यादा ओपन किया तो क्या होगा, तो उससे जब आप ज़्यादा ओपन करेंगे
लीन मिक्सचर के पॉइंट से ज़्यादा, तो आपकी बाइक के आरपीएम घटने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, घटने इसलिए शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये रिच मिक्सचर कहलाता है दोस्तों। इसके बाद रिच मिक्सचर शुरू हो जाएगा, इससे होता क्या है, रिच मिक्सचर से होगा क्या, आपकी फ्यूल ज़्यादा जाएगा और एयर कम जाएगी, ठीक है, आप समझ गए होंगे, एयर कम फ्यूल ज़्यादा। यहाँ पे एयर फ्यूल बिल्कुल बराबर, यहाँ पर इस ये जो आप देख रहे हैं इतना पॉइंट, यहाँ पर एयर ज़्यादा है और फ्यूल कम है। तो यहाँ देखिए, जब आप ऐसे ओपन करेंगे ये, इसके आरपीएम बढ़ेंगे, फिर पॉइंट आएगा जहाँ आप आरपीएम नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप और ओपन करेंगे स्क्रू को तो आपके आरपीएम घटेंगे इस तरह से। तो उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपको बाइक तेज भगानी है, रेस वगैरह करनी है, अच्छा पिकअप चाहिए, तेज चाहिए, तो आपको रिच फ्यूल मिक्सचर करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ना लीन मिक्स, इस लीन मिक्स पॉइंट से आपको और खोल लीजिए, करीब हाफ राउंड और खोल दीजिए, तो आप रिच मिक्सचर में जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको यहाँ दोस्तों माइलेज कम हो जाएगा आपकी बाइक का, और ये जो लीन मिक्सचर का पॉइंट है जो मैंने बनाया है, यहाँ आपको मैक्सिमम माइलेज मिलेगा दोस्तों बाइक का। ये जो पॉइंट है ये आपका बाइक मैक्सिमम माइलेज देगी दोस्तों, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो मैंने मैंने अपनी बाइक में लीन मिक्सचर कर रखा है दोस्तों, ये जो मिक्सचर है ना लीन, यहाँ कर रखा है। तो मैं एक बार और बताता हूँ आपको, सबसे पहले एयर स्क्रू को पूरा कस देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में ये कसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको किक से स्टार्ट करनी है बाइक, क्योंकि बैटरी निकल चुकी है, सेल्फ तो काम करेगा नहीं। किक से स्टार्ट करने के बाद आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा ये देखिए, ये जो स्क्रू है इसको आपको कस कस देना है, और आपकी थोड़ी सी रेस बढ़ा देनी है इस तरह से। ये कसने के बाद रेस बढ़ जाएगी, तब आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जब बाइक स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप लेफ्ट साइड जाइए और ये स्क्रू एक्सेस करिए दोस्तों। स्क्रू एक्सेस करने के बाद क्या है, इसको धीरे धीरे आपको ओपन करना है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, जैसा कि हर नट या पेचकस ओपन करते हैं ना, उसी तरह से धीरे धीरे करना है बहुत। और बाइक इंजन गर्म होना चाहिए, याद रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ। जब आप धीरे धीरे ओपन करेंगे तो इसके इंजन आरपीएम और बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप ओपन करते ही बढ़ेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इसके आरपीएम मैक्सिमम पहुंच जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद तो ये उल्टा कम होने जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो दोस्तों यही ये होता है लीन मिक्सचर, एकदम ऑप्टिमम सेटिंग होती है। तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा आप यही सेटिंग रखें, क्योंकि इस पर आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। वाइब्रेशन भी थोड़ी कम होती है, हार्शनेस कम आती है। इसके बाद अगर आप यहाँ रिच मिक्सचर में दे जाएंगे तो आपका दोस्तों फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन होगा और पिकअप वगैरह हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको आपको ज़रूरत नहीं है पिकअप वगैरह ज़्यादा बढ़ाने की। और इससे पहले मैं ये और बताता हूँ, ये लीन मिक्सचर ही आपको करना है दोस्तों, उससे ज़्यादा मत करिए। मैं यही कहूँगा, जब आप नई बाइक खरीदते हैं तो रिच मिक्सचर कंपनी करके देती है। उसे होता क्या है, नया नया इंजन होता है, बाइक के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लोग उल्टी सीधी भगाते हैं। तो नई बाइक में होता है रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर बाद में करते हैं, वो 2-3 सर्विसेज के बाद, जब 2-3 सर्विस हो जाती हैं उसके बाद। अब ये प्रोसेस सभी बाइक में एप्लीकेबल है दोस्तों, ऑल बाइक्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो पल्सर हो, हीरो होंडा की कोई भी कार्बोरेटर की बाइक हो, उसमें आपको इसी तरह से सेटिंग होती है सभी कार्बोरेटर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये माइलेज सेट करना आ गया होगा। यहाँ आपका मैक्सिमम माइलेज मिलेगा लीन मिक्सचर पे, जहाँ मैक्सिमम आरपीएम होंगे। और ये आप एक बार देख लीजिए, ये इतना आप अगर टर्न करते हैं तो ये हाफ 1/4 होगा, पूरा टर्न करते हैं जिस जगह से शुरू वहीं पे, तो 1 टर्न, इस तरह से आपके टर्न होते हैं। तो और अगर आपको एकदम अगर आपको सिटी वगैरह में चलानी है बाइक, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जब आप लीन मिक्सचर पर जाए ना, जब मैक्सिमम आरपीएम हो, तो आप हाफ ओपन और कर दीजिए वो स्क्रू, हाफ मतलब कि आधा घुमा दीजिए, आधे का मतलब है देखिए ये आधा और घुमा दीजिए जहाँ भी आपको, वो आपका एकदम परफेक्ट सेटिंग होगी। अब दोस्तों ये मैं सेटिंग मैंने इसकी कर ली है, अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा तो बहुत शोर शराबा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, पर सभी बाइक में बिल्कुल सेम सेटिंग है, आपको इसी तरह से करनी है। एक बार और मैं बता देता हूँ, देखिए एक बार और आपको दिखाते हैं।
देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये इसका स्क्रू है, पतले पेचकस से एक्सेस हो जाएगा, इसको पूरा इस तरह से कर दे, कस देना। जब ये पूरा कस जाएगा उसके बाद आपको धीरे धीरे मतलब बाइक स्टार्ट करनी है, उसके बाद आपको ये धीरे धीरे ऐसे ओपन करना, आपकी बाइक के आरपीएम बढ़ेंगे, ओपन करना ओपन करना, करीब डेढ़ या दो टर्न ओपन होने के बाद आप लेन मिक्सचर पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, बस आपको वहीं छोड़ देना है। और होगा क्या, उसके बाद आपकी बाइक बहुत आरपीएम बढ़ जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, ये इससे आपको फिर कम कर देना है आरपीएम थोड़ा सा इस तरह से खोल गया। लेकिन स्टार्ट, खैर अब स्टार्ट तो होगी नहीं, बैटरी निकली हुई है, पर किक से हो जाएगी, किक से दिखाता हूँ करके। देखिए इसमें कोई पावर नहीं है या कुछ नहीं है, बैटरी क्योंकि निकली पड़ी है, पर इसका अल्टरनेटर काम कर रहा है, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। देखिए बाइक स्टार्ट हो गई है, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कार्बोरेटर सेट कर सकते हैं। ये जो आप नीचे स्क्रू देख रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये और जो मैंने आपको पीछे दिखाया एयर मिक्सचर स्क्रू, उसी से आपको करना है। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आपको समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिए, आ जाएगा समझ में। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह से सभी बाइकों का माइलेज सेट होता है, लेकिन शाइन के केस में क्या है, ये थोड़ा ये जो स्क्रू होता है दोस्तों, इसको एक्सेस करना थोड़ा भारी होता है, क्योंकि कंपनी ने दिया ही ऐसी जगह है जिससे कि कोई छेड़छाड़ ना करे। बाकी आप CBZ हंक में देखेंगे, आपको स्क्रू बिल्कुल कार्बोरेटर यहाँ होता है, यहीं पर दिख जाता है, बिल्कुल यहीं इसी पॉइंट पर आपको दिख जाएगा, और सभी बाइकों में, स्प्लेंडर पैशन सब में, लेकिन इसी में ऐसा है। तो दोस्तों आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप अपने कार्बोरेटर की सेटिंग घर पर, माइलेज घर पर ही सेट करते हैं, जैसा चाहें वैसा करिए। पिकअप ज़्यादा चाहते हैं पिकअप ज़्यादा मिलेगा, पिकअप कम जाते हैं पिकअप कम भी मिलेगा आपको, जैसे आपकी मर्जी वैसा करिए, अपने अकॉर्डिंग करिए, जैसे आप चलाते हैं बाइक, तो मिस्त्री अपने अकॉर्डिंग करता है, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सो आप अपनी बाइक को बेहतर जानते हैं, मैकेनिक से भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो आप इसकी सेटिंग बेस्ट कर सकते हैं, ना कि मैकेनिक, ये मैं आपको बात बता देता हूँ। तो दोस्तों आपका काम इससे हो जाएगा, आप सीख गए होंगे कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है। इसकी सफाई की वीडियो भी मैं फ्यूचर में डालूंगा, कैसे सफाई करनी है। और एक बार जाते जाते मैं एक बार और बता दूं कि आपको एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग बहुत ज़रूरी है दोस्तों साफ करने, ये प्रोसेस आपको करने से पहले इनकी सफाई आप ज़रूर करें। और क्या करना है आपको, बाइक का इंजन गर्म होना चाहिए दोस्तों, ये भी बात बहुत ज़रूरी है, गर्म पर ही सेटिंग होगी, बिना उसके आप सेटिंग ठंडे पर बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, बिल्कुल बेकार सेटिंग हो जाएगी, सब कुछ दोबारा खोल कर आपको दोबारा करनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों अब मैं ये सब तामझाम जो खुल गया दोबारा लगा दूंगा, इस तरह से लगाना बहुत आसान है, आप लगा लेंगे, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करता वीडियो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, ये बॉक्स दोबारा लगाना है, 4 स्क्रू कसने हैं, और ये वाला जो आप देख रहे हैं स्टार्टर, ये आपको यहाँ फिट कर देना है उसके बाद, और ये पॉइंट आपको लगा देने हैं, उसका बाद आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों थैंक यू, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, और आप अपनी सेटिंग करिए, अपनी बाइक की आप सेटिंग करिए, और नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी सेटिंग कैसे हुई, माइलेज बढ़ा नहीं बढ़ा। हालांकि ये 100% काम करेगा, मैंने ये वीडियो दोस्तों इसीलिए बनाई है, मैंने थोड़ी रिसर्च भी करी है इसके ऊपर, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर सारी बातें ध्यान में रखते हुए उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अपनी सेटिंग करिए, कमेंट में बताइए कैसा सेटिंग हुई, गड़बड़ हुई, कोई गड़बड़ हुई तो ही बताइए कमेंट में, मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।